आए दिन चली जाती है उस बदमाश से मिलने। बेचारे बाबूजी, उन्हें मैं नहीं बताऊंगी तो कौन बताएगा? गिरिवर माथुर साहब, क्या चाहते हैं आप? भगवान तुम्हारा भला करे, वो भी आते ही होंगे, शायद आज कुछ देर हो गई उन्हें। जाओ, रुको, रुको, उन्हें भी आ जाने दो, आज वासना का नंगा नाच हम भी देखें। इसकी बलि वेदी पर हमारी दुनिया जलाकर राख कर दी गई। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब कुछ खुली किताब की तरह है हमारे सामने। डाकू का बेटा, डाकू, गंदा खून, कृष्णा, ऐसी सती सावित्री की इज्जत लूटना चाहिए उसने। ची, 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 ची। उस वक्त उसे हम चांद से मार देते तो कितना अच्छा रहता। रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। क्योंकि तुम इंसान नहीं, पाप की एक मूरत हो। मर तो तुम उसी रोज गई थी जिस रोज मेरी आबरू पल्लू में बांध कर इस जगह ले आई। नहीं, नहीं। याद रहे, वासना का नाच देखना है मुझे। माफ करना जानेमन, जरा देर हो गई मुझे। अरे, ऐसी भी क्या बेरुखी? क्या बात है, तुम तो मेरी इन बाहों से वाकिफ हो। हमारी जिंदगी की आंखों में आंसू, किस कमबख्त ने आपका दिल दुखाया है? खेल खत्म हो गया गिरिवर, हमने तुम्हारी असली सूरत देख ली, अब ये सूरत दुनिया देखेगी। हम तुम्हें सबके सामने नंगा करेंगे। आप गिरिवर को जानते ही नहीं यादव। भगवान तुम्हारा भला करे, आस्तीन के सांप को कौन नहीं जानता। तुमने मेरी इज्जत में आग लगाई, मेरी दुनिया में आग लगाई। आप मुझे मारेंगे और अफसोस भी नहीं होगा। जानवर या कीड़े मकोड़ों को मारना कोई गुनाह नहीं। चलो गोली, रुक क्यों गए? चलो गोली। आप और मुझ में यही फर्क है, आप अभी इसे मरते हुए नहीं देख सकते और मैं देखते देखते इसकी गर्दन मरोड़ सकता हूं। पिस्तौल फेंक दो, फेंक दो पिस्तौल। मुझे
श्यामा, भगवान तुम्हारा भला करे। गिरफ्तार कर लो यादव साहब को, इन्होंने अपनी बीवी का खून किया है इस पिस्तौल से। हुजूर आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्या बक रहे हो? जाओ इसे कबाड़ में रख दो, इस पे यादव साहब की उंगलियों के निशान है। और आपके भी हुजूर। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, क्या सचमुच खून यादव साहब ने किया है? शायद तुमने ठीक तरह सुना नहीं जो हमने कहा, खून यादव साहब ने ही किया है। वो तो सब ठीक है हुजूर, पर वो खुद भी तो एक पुलिस ऑफिसर हैं। बहुत फर्क है कुरेशी, वो पुलिस ऑफिसर थे, हम पुलिस ऑफिसर हैं। समझ गया हुजूर। अगर तुमने अपनी जुबान खोली तो हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। मैं तो अपनी जुबान कभी भी नहीं खोलूंगा हुजूर, लेकिन एक जात ऐसी है जो बिना बताए जान जाएगी। किसकी बात कर रहे हो तुम? ईश्वर, अल्लाह, शायद नाम तो सुने ही होंगे हुजूर ने। अरे कुरेशी, गौरी हवेली पे नहीं है, कहाँ चली गई? जब से यादव साहब हवालात में हैं, तब से गौरी गांव छोड़कर रामचंद्र के यहाँ चली गई। मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ समझे, खुदा करे कोई। खड़े ही रहिए गिरिवर प्रसाद माथुर, अच्छा हुआ जो तुम खुद ही आ गए, वरना न जाने कहां कहां ढूंढना पड़ता तुम्हें। क्या बात है सर? कुछ खास बात नहीं, यू आर अंडर अरेस्ट मिसेस यादव के खून के इल्जाम में। इन्हें हथकड़ी पहनाओ। क्या बात है सर? मैंने बरसों से कानून और पुलिस की सेवा की है, अब कानून की खिलाफत नहीं करूंगा, खुद ही चलकर हवालात जाऊंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मुझे ये हथकड़ी न पहनाई जाए। ठीक है, इन्हें हथकड़ी मत पहनाओ, ले जाओ इन्हें। थैंक यू सर। गिरवर माथुर, आपकी रिवॉल्वर। यादव साहब, अब आप पर तो शक की गुंजाइश भी नहीं रही, क्योंकि असली मुजरिम का पता चल गया है। गिरिवर का आपको कैसे पता चला? हवलदार कुरेशी से, उस कमीने ने उसे भी गोली मार दी और खुद फरार हो गया। एसपी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे पेरोल पर छोड़ दीजिए, सिर्फ दो दिन के लिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि दो दिन बाद मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा और गिरिवर को कानून की गिरफ्त में ले लूंगा। कृष्णा के वादे की तो मैं भी कसम दे सकता हूँ एसपी साहब। ठीक है। गिरिवर प्रसाद माथुर, तेरे पाप तो इतने घिनौने हैं कि दया का सागर भगवान भी तुझे माफ करने से पहले दो बार सोचेगा। गिरिवर ने ना किसी से माफी मांगी है और ना अब तुमसे माफी मांगेगा। कमीने! नहीं, बाबी नहीं,
मैं आपके हाथों खून नहीं देखूंगा, और वो भी इतना गंदा खून। इससे तो मुझे अपने हिसाब चुकाने हैं। नहीं कृष्णा, नहीं, मेरी बात नहीं। कृष्णा, कृष्णा। मैं निहत्ता हूं कृष्णा, कर ले बार। गोली पवन के नाम।